हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी जीके ट्रिक्स। देख फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नोबेल पुरस्कार 2000 से रिलेटेड ट्रिक। ठीक फ्रेंड्स, किस किस को इसमें नोबेल पुरस्कार मिला है तो नाम याद करने फ्रेंड्स थोड़ी परेशानी होती है इनको, तो इसलिए मैं आपके लिए इतनी आसान ट्रिक लाया हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे और ये आपको बहुत अच्छे से याद होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का जो मेरा कारण है वो ये है कि यहाँ से ग्रुप डी में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 17 तारीख में पूछा गया था, आई होप कि 18 में पूछा गया या नहीं, लेकिन 17 में पूछा गया तो आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले है साहित्य। ये तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो साहित्य में दिया गया है काजुओ इशिगुरो, यानी काजुओ इशिगुरो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये साहित्य साहित्य जो है ये लेखन से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे रिलेटेड है? लेखन से। अब देखिए फ्रेंड्स, लिखता कौन है? जो अच्छा पढ़ा लिखा होता है, मतलब जिसको नॉलेज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और नॉलेज किसे होती है? जिसका माइंड अच्छा होता है, साफ माइंड होता है। ठीक है, तो अब माइंड को अच्छा करने के लिए, मतलब तेज करने के लिए किसके जरूरत होती है? काजू बादाम खाते हैं फ्रेंड्स। साहित्य रिलेटेड है शिक्षा से। ठीक है फ्रेंड्स, यानी शिक्षा अच्छे से जिसे नॉलेज होगी उसने क्या किया होगा? नॉलेज को रखने के लिए, माइंड अच्छा करने के लिए काजू बादाम खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो काजू से आप मिल जाएगा काजुओ इशी गुरु। ठीक है फ्रेंड्स, काजुओ इशी गुरु। और फ्रेंड्स, जिसको अच्छी नॉलेज होती है वो क्या होता है? गुरु भी होता है। तो गुरु आप चाहे तो ऐसे देख लेते हैं कि साहित्य क्या है? शिक्षा से रिलेटेड। और जिसको नॉलेज होती है वो, उसका माइंड साफ होता है और कैसे होता है? वो काजू बादाम खाता है। या फिर ये लिख सकते हैं कि जो साहित्य होता है, लेखन करता है, वो क्या होता है? गुरु होता है। तो काजुओ इशी गुरु, आसानी से आप इसको टिक कर देंगे हमें। ठीक है फ्रेंड्स, केवल हिंट्स चाहिए एग्जाम में टिक करने के लिए। नंबर 2 है अर्थशास्त्र, इसका है रिचर्ड थेलर। क्योंकि देखिए, आपको इनके जैसा नाम दूसरा मिलने नहीं वाला, तो आप आसानी से अगर एक वर्ड भी आपको याद हो जाता है तो उसको आप आसानी से टिक कर देंगे। अर्थशास्त्र में मिला है रिचर्ड थेलर को। अब देखिए, आप इसको कैसे टिक करेंगे? अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी, पृथ्वी होता, और पृथ्वी क्या है? थल। थेलर में आप देख सकते हैं क्या है? थेलर, तो थेलर यानी थल। तो पृथ्वी और थल एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। पृथ्वी भी क्या है? थल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आसानी से आप अर्थशास्त्र यानी अर्थ होता है पृथ्वी, और थेलर यानी थल। तो अर्थशास्त्र में मिला है रिचर्ड थेलर को, आप थल बर्ड पकड़ेंगे और आसानी से उसको टिक कर देंगे। नंबर 3 है शांति। शांति में पुरस्कार मिला है आइकेन को। तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा आसान है याद करने के लिए। शांति, जहाँ भी शांति का वर्ड आता है, अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप शांति रख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यस आई कैन, यानी मैं रख सकता हूँ। यस आई कैन, तो आप इसी को टिक कर देंगे। यस आई कैन, मैं शांति रख सकता हूँ। तो शांति के क्षेत्र में मिला है आई कैन को। नंबर 4 है भौतिकी, इसमें मिला है रेनर वाइस, बेरी बेरिस और किप थोर्न को। देखिए, आप इसको याद कैसे रखेंगे? भौतिकी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भौतिक के जो रिलेटेड है वो है वर्षा से। देखिए कैसे, मान लीजिए हमें बारिश का पता कैसे चलता है? बाहर जो सैटेलाइट्स हैं वो संकेत देते हैं बरसात के लिए, तो इससे पता चलता है। तो वो सैटेलाइट जो बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं? भौतिकी से। तो कहीं ना कहीं बारिश का संबंध किससे है? भौतिकी से। तो हमें याद रखना है कि भौतिकी अगर नोबेल प्राइज़ में आता है तो किससे संबंध है उसका? बारिश से। देखिए, पहला है रेनर बाइसर, तो यहाँ से रेनर, रेनर यानी रेन, रेन क्या होता है? बारिश। नंबर 2 है बैरी बैरिस, तो इसमें भी बैरी बैरिस यानी बहुत बारिश, तो ये भी बारिश से रिलेटेड है। तो हमें देखना कि जहाँ भी बारिश आएगा क्या आएगा? भौतिकी के, बारिश से संबंध किसका है? भौतिकी का। नंबर 3 है, देखिए थोड़ा सा अलग है, तो आप इसको याद कैसे करेंगे? किप, किप थोड़ा थोड़ा वर्ड कैसे निकल रहा है? कैप, किप, कैप एक जैसा है। और कैप कब लगाते हैं? जब बरसात होती है, तो बारिश से बचने के लिए। तो बारिश का संबंध है भौतिकी से, तो रेनर यानी रेन बारिश, बैरी बैरिस यानी बहुत बारिश, और किप थोर्न कैप कब लगाते हैं? जब बारिश होती है। तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हैं। नंबर 5 है चिकित्सा, इसमें मिला है माइकल डब्ल्यू यंग, जेफरी सी होल और माइकल रोजबस को। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? चिकित्सा का नाम आती है आपके माइंड में क्या आता है? WWE, यानी WWE की फाइट। सबसे ज़्यादा इन्हीं को चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चोट लगती है लड़ते वक्त। तो देखिए, आप इसमें नंबर 1 है माइकल डब्ल्यू यंग, तो इसमें तो नाम में ही क्या है? डब्ल्यू है, नाम में ही क्या है? डब्ल्यू है। तो इसको भी आसानी से टिक कर देंगे, यानी चिकित्सा का संबंध है WWE से, ये हमको याद रखना है। नंबर 2 है जेफरी सी होल, तो जेफरी वर्ड से क्या मिलेगा? रेफरी। तो WWE में क्या होता है? रेफरी भी होता है। ठीक है, चिकित्सा में क्या हो गया? माइकल डब्ल्यू यंग यानी WWE से रिलेटेड है, और जेफरी, रेफरी भी क्या है? WWE में होता है। नंबर 3 है माइकल रोज बस, तो इसके आप कैसे करेंगे कि माइकल रोज बस WWE ही देखता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, यानी माइकल डब्ल्यू यंग, तो इसमें W आ रहा है, जेफरी सी होल रेफरी होता है, और माइकल रोज बस WWE ही देखता है। नंबर 6 है रसायन विज्ञान,
इसमें मिला है रिचर्ड हैंडरसन को और जोआचिक फ्रेंक को और जैक्स डुबोसेट को। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे याद रखेंगे, रिचर्ड हैंडरसन, जोआचिक फ्रेंक और जैक्स डुबोसेट। विज्ञान, विज्ञान का नाम याद है, किसका नाम याद आता है, केमिकल्स, यानी विज्ञान की जो लैब आपने देखी होगी उसमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अब देखिए केमिकल्स को पहली संकेत दिए होते हैं कि भाई किसी भी केमिकल को हाथ से नहीं पकड़ना है, यानी हैंडरसन, हैंड यानी हाथ, हाथ से हमको नहीं पकड़ना है। जोआचिक फ्रेंक, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इनको हाथ से पकड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये हाथ से पकड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, जलन करते हैं, यानी ये रिएक्शन कर देते हैं हाथ के साथ और जला सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम इसको, जब हाथ जलाएंगे तो ये फेंक देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे, रसायन विज्ञान का नाम याद है, केमिकल का नाम याद है, और केमिकल में क्या होता है, हम इन्हें हाथ से नहीं पकड़ना, अगर हाथ से पकड़ेंगे तो हमें जलाएंगे और क्या कर देंगे, हम फेंक देंगे, जिससे दूसरों को भी नुकसान इसमें हो सकता है। नंबर 3 है फ्रेंड्स इसमें जैक्स डुबोसेट, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए 5 हमने अच्छे से रिलेट कर लिए, नंबर 6 में भी 2 अच्छे से रिलेट कर लिए, एक ये बचा है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।